हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू फिट दिल्ली। मैं हूं आपकी फिटनेस गाइड सगुना। फिट दिल्ली जहां पर हम करते हैं बात आपको फिट और हेल्दी बना के रखने के बारे में, और इसी कड़ी में आज हम करेंगे बात कि कैसे आप अपने बच्चों को मोटा होने से बचा सकते हैं, और होगी बात बोसू वर्कआउट के बारे में। ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, हम जानकारी देंगे आपको उसके बारे में भी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हरी सब्जियां खाने से कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पर आप गलत हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम बताएंगे आपको उसके बारे में प्रोग्राम के एंड में। पर पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार बोसू वर्कआउट किस तरीके से होता है, क्यों किया जाता है, अगर इसको आप कर रहे हैं तो फिर इसका फायदा आपकी बॉडी को क्या मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं बॉल के साथ वर्कआउट करने की। जी हाँ, आपने बहुत सारे बॉल सुने होंगे, जिम बॉल, मेडिसिन बॉल और तो और बोसू बॉल। इन बॉल के साथ वर्कआउट करने में आपको बहुत फायदा मिलता है, खास तौर पर आपका कोर एरिया फिट हो जाता है, और साथ ही साथ अगर आप बोसू बॉल, जिसकी हम आज खास तौर पर बात करने वाले हैं, उससे वर्कआउट करते हैं तो ये फायदा दुगना हो जाता है। कैसे करेंगे हम वर्कआउट, आइए जानते हैं। बॉल का कमाल तो हमने देख ही लिया है, लेकिन बोसू बॉल का कमाल आज हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ है यहाँ पर ट्रेनर धनंजय। धनंजय, वेलकम टू आवर शो। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि बोसू बॉल जो है उसके साथ वर्कआउट करते हुए आप बहुत सारी डिफिकल्टीज बढ़ा सकते हैं, राइट? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर क्या फर्क है मेडिसिन बॉल हो, जिम बॉल हो, बोसू बॉल में, इन तीनों बॉल्स में क्या फर्क है? जी, बोसू बॉल ये यूज कर सकते हैं बैलेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। आप मेडिसिन बॉल यूज़ करोगे, यू कैन ओनली डू क्रंचेस। क्रंचेस में आप जैसे एप्स की वर्कआउट कर सकते हो, एप्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। स्विस बॉल में यू कैन डू अ बैलेंस, बट बोसू एक्चुअली वर्क्स ऑन मेजर मसल्स। लेट्स से इफ यू डूइंग लाइक ही इज डूइंग सम स्क्वाट्स, ही इज ब्रेसिंग हिज एप्स, सो ही इज वर्किंग हिज एप्स मसल, ही इज वर्किंग हिज क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स व्हेन ही इज डूइंग अ स्क्वाट। सो वी कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट। हाउ वी कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट, इफ यू ब्रिंग दिस पावर बैक, ये अब बैक रो करेंगे, बैक रो बैक मसल के लिए, लैटिसिमस डोसी उसके लिए काम करेगा। अगेन ये आप लेग्स के लिए भी काम कर रहे हैं, एब्स के लिए भी काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बैक और आर्म्स के लिए भी काम कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि बैलेंसिंग जो है इस बोसू बॉल के साथ वो तो हो ही रही है, साथ ही साथ बैक मसल्स इसमें काम कर रहे हैं, और जिस तरह से मुझे दिख रहा है इस पावर बैक के जरिए आप अपनी बॉडी भी बिल्ड कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेंथ आप बिल्कुल बिल्ड कर सकते हो बोसू बॉल के साथ, और बैलेंस, बैलेंस और स्ट्रेंथ पूरे एथलीट्स, इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप, तो यंगस्टर से लेकर ओल्ड पीपल, एनीबॉडी कैन यूज दिस बोसू बॉल। चलिए, बोसू बॉल बहुत आसान होता होगा, अगर कोई जिम नहीं जा रहा है तो घर पे भी ला के बोसू बॉल से वर्कआउट कर सकता है। ऐसे में कैसे, किन बातों का ध्यान रखिए, अगर शॉप में जा रहा है, खरीद ही रहा है, तो क्या क्या इसमें मेजर पॉइंट्स है? पहले आप बोसू बॉल खरीद सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, बट जब आप इन्फ्लेट करो इसे, इट शुड बी 7 to 8 सेंटीमीटर्स अबव योर ग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल। So that's the major thing you have to concern about this Bosu. Then just make sure there is no cuts. Koi cut na ho, kyunki because aap wahan pe khade hoge and then let's say agar inflate ho jaye, so it's gonna be a little hard. To koi shuruaat karega to kis tarah ke workout iske sath perform kar sakta hai? Shuruaat ke liye we'll make the flat surface go down. Theek hai? Is pe hum squats karenge, so it's gonna be much easier. So Abhishek gonna do some squats. He gonna stand. Try to balance his body first, bring his arms next to your shoulders and then he's gonna squat. Ye easy version. Baad mein sabse pehle aap squats kar sakte hain. Haan ji, haan ji. Aur kaun kaun si cheeze hain bosu ball ke sath karne ke liye? Bosu ball ke sath aap crunches kar sakte ho. Aap bosu ball ke sath press up kar sakte ho, jo aapki chest muscles ke pe kaam karega, abs ke kaam karega crunches. Fir aap plank hold kar sakte ho. Aap burpees kar sakte ho. Burpees kya hote hain? Burpees puri body pe kaam karte hain. तो आप बोसू से काफी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप बोसू बॉल के जरिए कर सकते हैं। जहां तक बात है लेग्स की, कोर एरिया के, मसल्स की, एब्स की, सारी चीजें आप इसमें कैरी कर सकते हैं, और उसके लिए आप डिफिकल्टीज बढ़ा सकते हैं। ये बताइए, क्या हम इसके में, इस बोसू बॉल के साथ वर्कआउट करते हुए कैटलबेल, डंबल्स, पावर बैग्स जैसे आपने इस्तेमाल किया, इस तरह की चीजें, प्रॉप्स भी यूज करके डिफिकल्टी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, हम स्विस बॉल यूज कर सकते हैं और उसमें डिफिकल्टी बढ़ जाएगी क्रंचेस करते हुए।
सो हम हाथ अपने बोसू पे रखें, स्विस बॉल पे लेग्स एंड देन वी कैन क्रंच, तो उससे क्या है हमारे एब्स की वर्कआउट होएगा बट इट विल बी मोर डिफिकल्ट। इसमें चोट लगने का भी खतरा हो सकता है? चोट लगने का खतरा नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि वन साइड इज फ्लैट तो आपको पूरा बेस मिल गया है, तो यू वॉन्ट गो एनीवेयर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस पे कोई वर्कआउट कर रहा है और कोई नया है तो उसको एक ट्रेनर से पहले अच्छे से सीख लेना चाहिए कि कैसे इसमें वर्कआउट करना है, राइट? हाँ जी हाँ जी, ट्रेनर से सीख लेना चाहिए बस। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप जैसे एक पैर रख के देन यू कैन डू स्क्वाट्स, तो यू आर मोर कंफर्टेबल, यू कैन डू स्क्वाट्स देन यू कैन चेंज लेग्स, तो इसमें यू गेट मोर स्टार्टिंग टू बिल्ड अप योर बैलेंस प्लस योर स्ट्रेंथ। फिटनेस की तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन एक और है आजकल की लाइफस्टाइल में देखा जाता है, स्ट्रेस बहुत होता है, तो बोसू बॉल के साथ वर्कआउट करने में क्या कुछ म्यूजिक का कॉम्बिनेशन है, क्या स्ट्रेस बस्टर है ये वर्कआउट? हाँ जी बिल्कुल है, आप अगर म्यूजिक के साथ बोसू वर्कआउट करोगे इट विल बी मोर फन। जैसे म्यूजिक चलेगा तो आप यू शुड ट्राई टू कीप अप विद द म्यूजिक, तो आई एम डूइंग स्क्वाट्स आई विल ट्राई टू कीप अप विद माय म्यूजिक। बीट पर मिनट भी आप इसमें अपने वर्कआउट के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दर्शकों को बता दीजिए और क्या क्या फायदा है? क्या क्या फायदा है? पहला फायदा हो गया बैलेंस का, यू कैन बिल्ड योर बैलेंस। दूसरा फायदा हो गया आपका स्ट्रेंथ, यू कैन बिल्ड योर स्ट्रेंथ। प्लस तीसरा फायदा विद सिंगल इज अ फंक्शनल मूवमेंट, तो आप सारी मसल्स पे काम करोगे। तो ये तीन मेजर फायदे हैं, उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग। और इसमें क्या वार्म अप या कूल डाउन करने की जरूरत होती है? वार्म अप कर सकते हो आप, वार्म अप आप नीचे फ्लोर पे करो नॉर्मल, फिर उसके बाद बोसू से वर्कआउट करो। कूल डाउन यू कैन जस्ट डू कूल डाउन ऑन अ फ्लोर अगेन, फिर देन यू कैन डू स्ट्रेचेस। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय। तो जाहिर सी बात है आप जिस भी वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं उसके पहले आपको वार्म अप तो करना ही होता है, वर्कआउट खत्म करने के बाद कूल डाउन तो करना ही है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो किसी भी तरह से इंजुरी से फ्री रहे। इसलिए जब भी आप बोसू बॉल के साथ परफॉर्म करें तो सेम चीज फॉलो करें और ध्यान रखें बोसू बॉल के बारे में जो भी हमारे एक्सपर्ट फिटनेस एक्सपर्ट ने आपको सलाह दी, उन सब को फॉलो कीजिए और फिट रहिए। कैमरा पर्सन विशाल बहल के साथ रोशनी, दिल्ली आज तक। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आजकल के बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं और इस वजह से वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक सर्वे में ये वाली बात भी सामने आई है कि 8 साल के छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का भी, और मोटापा तो उनका बढ़ ही रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, और अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ भी हो रहा है तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है, हम बताते हैं आपको उसके बारे में, जान लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। ज्यादा खाना और वो भी फास्ट फूड, तला हुआ और मिठाई, मोटापा तो बढ़ेगा ही। मोटापा बढ़ रहा है और बढ़ रही हैं मोटापे के कारण कई बीमारियां। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर स्कूली बच्चे मोटापे का शिकार हैं। इसकी एक बड़ी वजह है उन पर बढ़ता पढ़ाई का दबाव और खेल कूद या एक्सरसाइज जैसी चीजों का अभाव। ऐसे में ज्यादा खाना, टीवी देखते हुए खाना और खाने में जंक फूड तला हुआ खाना शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा रहा है और ये बन रहा है जान को खतरा। मैं बीमारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक डिजीज है, ये सिर्फ मोटापा एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये बढ़ रहा है, मेट्रोज में अर्बन एरियाज में ज्यादा बढ़ रहा है। बच्चों के लाइफस्टाइल की वजह से, उनके खाने पीने की वजह से, उनके एक्सरसाइज ना करने की वजह से, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, आईफोन्स, स्मार्टफोन्स के अंदर रहने की वजह से उनका मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, एक्टिविटी लेवल्स कम हो गई हैं और हमारी डाइट भी चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल मोस्ट फूड स्टफ्स में हर चीज़ रिफाइंड होती है, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लावर, मान के चलिए आमंड, आम जो आपको डाइट मिलती है, इसमें हो क्या गया कि बॉडी जो है एनर्जी लेती है, उसको स्पेंड नहीं करती है, वो स्टोरेज में चली जाती है। मोटापा इसका सबसे विजुअली इम्प्रेशनेबल जो है इसका इफेक्ट है। बच्चों में बढ़ता मोटापा ब्लड प्रेशर को भी तेजी से बढ़ाता है, डायबिटीज, शुगर, अर्थराइटिस और किडनी खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मोटापे के कारण सांस की नली में भी रुकावट आनी शुरू हो जाती है, इसी कारण रात के समय हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर बच्चे का वेट होना चाहिए 30 किलो 40 किलो, अगर हो जाए उसका 160 किलो 162 किलो, तो इसका मतलब यह है कि एक दिल को तीन लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है, तीन या चार लोगों के लिए जब काम करना पड़ेगा एक इंसान, एक हार्ट को, तो ऑब्वियसली ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा ज़्यादा जल्दी थकेगा। उसके अंदर जब मोटापा जब ऐड हो जाता है तो क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं
उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर, अगर ये धमनियों के अंदर अगर ये कोलेस्ट्रॉल जम गया तो उससे नैरोइंग हो जाएगी, तो ब्लड पूरी तरीके से हार्ट की मसल्स को नहीं मिल पाएगा। और जब हार्ट को नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ होगी, अगर हम उसको ज़्यादा थकान कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हार्ट अटैक तक हो सकते हैं। डायबिटीज और मोटापे का सीधा संबंध माना गया है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में बढ़ता शुगर लेवल एक धीरे जहर की तरह काम करता है और अचानक ही मरीज की मौत का कारण बन जाता है। इससे बचने के लिए बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, यानी कि एक्टिव लाइफ के साथ बैलेंस डाइट। बच्चे बाहर जाएं खेलने के लिए, 2 से 3 घंटे बाहर आउटडोर एक्टिविटी करें, घर का बना हुआ अच्छा खाना खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स लें और जंक फूड ना लें। उन्हें स्कूल के अंदर भी अवॉइड करें जंक फूड को, मीठा कम खाएं, टॉफीज चॉकलेट्स को अवॉइड करें। और उसके अलावा अपने पेरेंट्स के साथ, आसपास के बच्चों के साथ जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व रहें। टीवी और कंप्यूटर्स को बिल्कुल लिमिट करें। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाव से लेकर उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। इसीलिए यदि आप मोटापे से जुड़ी तमाम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल में सुधार ही इसका एकमात्र रास्ता है। बच्चों में बढ़ रहा मोटापा उन्हें लगातार मौत की ओर ढकेल रहा है। बढ़ती उम्र के साथ कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हार्ट की बीमारियां दस्तक दे सकती है, यहां तक कि किडनी फेलियर होने के भी पूरी संभावनाएं बन जाती है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि कम उम्र में ही बच्चों को ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की जरूरत है ताकि उनकी फिटनेस बरकरार रहे और उनकी सेहत पर कोई खतरा ना हो। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। वैसे ये बात भी देखी गई है कि जिन बच्चों के माँ बाप मोटापे का शिकार होते हैं उनके बच्चे ज्यादा मोटे होते हैं, ये संभावना उन बच्चों में ज्यादा बनी रहती है। ऐसे में अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा मोटापे का शिकार हो तो फिर आपको खुद अपने वजन पर चेक रखने की जरूरत है और खासकर मम्मीज को इस केस में ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम बताते हैं आपको उसके बारे में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप मोटापे को तंदुरुस्ती से जोड़कर देखते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि अगर आप मोटे हैं तो आपके बच्चों के मोटे होने की संभावना भी बढ़ जाती है। खास तौर पर मम्मियों को इस मोटापे की बीमारी से खुद को बचाना जरूरी है। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक महानगरों में रहने वाले लोगों में 55% बच्चे किशोरावस्था में मोटे पाए गए हैं, तो वहीं 65% माता पिता मोटापे का शिकार हैं। इसका सीधा मतलब है कि मोटापे की बीमारी जेनेटिक होती है, लेकिन ये पूरी तरह जीन्स पर निर्भर नहीं करती, लाइफस्टाइल का भी अहम रोल होता है। आदमी के हाइट के अलावा वेट जो है स्ट्रॉन्गली इनहेरिटेड एक प्रीडिस्पोजिशन है। सो ऑलमोस्ट 70-80% जो है, यदि आपके मदर फादर आपके ओबीज हैं तो चांसेस हैं कि आप भी ओबीज या ओवरवेट रहेंगे। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है कि स्पेशली मदर्स, बिकॉज मदर्स जो हैं प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इनका लिंक बड़ा स्ट्रांग होता है। यदि मदर ओबीज हैं तो हाई रिस्क है बच्चे को ओबीज होना, आगे जाके उसको शुगर होना, बीपी होना और हार्ट की प्रॉब्लम भी होना। 3 इन्फ्लुएंसेस होते हैं किसी के मोटे होने में। एक हेरिडिटरी होता है जिसे हम जेनेटिक कहते हैं, एक एनवायरमेंटल होता है कि वो क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और एक हार्मोनल होता है। तो हेरिडिटरी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है मोटापे का, परंतु 2 ऐसी चीज़ें जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते जिसके अंदर हेरिडिटरी है या हार्मोनल है। जो एनवायरमेंटल चीज़ें हैं उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर किसी के पेरेंट्स मोटे हैं तो उसको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चीज़ें ना खाएं। जो कोई पतला आदमी शायद हर रोज खा रहा हो लेकिन वो तब भी पतला रहे। अगर किसी के मोटे होने की टेंडेंसी है फैमिली में तो उन्हें बाकी लोगों से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने वजन का ज़्यादा डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। मोटापे की बीमारी से जूझ रहे लोग अगर इससे निजात पाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज की एक्सरसाइज, फिर चाहे वो सुबह की सैर हो या जिम में जाकर ट्रेडमिल पर पसीना बहाना। एक्सरसाइज के साथ ही डाइट पर ध्यान देना भी जरूरी है। जंक फूड, तला हुआ खाना छोड़कर जरूरत है हेल्दी डाइट को अपनाने की। बच्चों का और मम्मियों का मोटापा बिल्कुल साथ के साथ चलता है, क्योंकि दोनों का खाना पीना और आउटडोर एक्टिविटी बराबर है। तो उनको भी कम से कम 1 घंटा दिन में, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम एक्सरसाइज की जरूरत है। उसके साथ वो अपना एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अनुसार 1500 से 2000 किलो कैलोरी एक दिन के अंदर लें और घर का खाना खाएं, फ्राइड थिंग्स ना खाएं, मोटे होने वाले शुगर्स ना खाएं और जंक फूड ना खाएं, और वही चीज उनके बच्चे फॉलो करेंगे जब वो देखेंगे कि मम्मी क्या खा रही है। साथ ही जरूरी है कि आप अपने BMI चेक पर ध्यान रखें।
यदि BMI आपको बहुत ज्यादा मोटे लोगों की लिस्ट में शामिल कर लेता है तो अब भी आपके पास पतला होने का ऑप्शन है, वो है बेरियाटिक सर्जरी। डॉक्टरों के मुताबिक ये सर्जरी न केवल मोटापे को कम करने में मदद करती है बल्कि मोटापे से जुड़ी कई बीमारियों का भी समाधान है। मतलब इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि लाइफस्टाइल, एक्टिविटी लेवल्स, डाइट का ध्यान रखना है। और मान लो आपको इन कोशिश के बाद में भी आपका वेट बढ़ता चला जाए या कम ना हो, आपको इंटरवेंशन करना है, खासतौर जिनका BMI अबव 32.5 है अलॉन्ग विद अ मेडिकल प्रॉब्लम, या 37.5 BMI के साथ आपको वेट लॉस नहीं हो रहा है। बेरियाट्रिक सर्जरी एक रियल एक ऑप्शन है आपके लिए, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म वेट लॉस भी हो जाएगा और साथ में जो मेडिकल प्रॉब्लम्स वो भी आपके घट जाएंगे। तो अगर आप मोटापे से राहत चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह, सही एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट आपको मोटा होने से बचा सकती है। मोटापा किसी बीमारी से कम नहीं है, ऐसे में अगर माँ बाप मोटे हैं तो उनके बच्चों के मोटे होने के संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं, अच्छा खाएं, ताकि आपकी फिटनेस यूं ही बरकरार रहे। और ये पूरा सर्कल है, उसमें ना माँ बाप मोटे रहे और ना ही ये मोटापा उनके बच्चों को परेशान करे। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। और अब करेंगे बात आपकी डाइट के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हरी सब्जियां खाने से आपको सिर्फ फायदा ही मिल रहा है तो यहाँ पर आप गलत हैं। जी, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे हरी सब्जियां आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जान लीजिए इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट की सलाह में। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट में आते हैं, लेकिन अगर इसका सही तरीके से सेवन ना करा जाए या इनको वॉश करके ना खाया जाए, इनको क्लीन करके ना खाया जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर हम कई तरह के बैक्टीरियाज और कई तरह के केमिकल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे को कई तरह की पेट की बीमारियाँ, इम्यूनो डिसऑर्डर्स और बहुत ही ज़्यादा हम इवन पैरालाइज तक भी पहुँच सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले लोगों का ये मानना है जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों में, जैसे अगर पालक की बात करी जाती है या मेथी की बात करते हैं या सरसों की बात करते हैं या सैलड पत्ता होता है उसकी बात करते हैं, उसमें कई ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके टॉक्सिन लेवल को बढ़ा देते हैं। और इस टॉक्सिन लेवल को बढ़ने के कारण होता क्या है कि आपकी धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है और आपके पेट की डिसऑर्डर्स या स्टमक की प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हो सकती हैं। अगर आप हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हरी पत्तीदार सब्जियां आप लेते हैं, किसी भी तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वॉश करना, उनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करिए। अगर आप वॉश नॉर्मल पानी से कर रहे हैं तो उसको आप कम से कम 3 से 4 बार उसको धोएं। अगर आप उसमें हल्का सा गुनगुना पानी और थोड़ा सा नमक डाल के अगर इसको वॉश कर लेते हैं तो आप काफ़ी सारे बैक्टीरियाज वहीं पर ही ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद उसको पका के खाएं। जिस तरीके से बोला जाता है कि सैलड पत्ता कई लोग कच्चा ही खा जाते हैं या सैलड्स वगैरह हैं काफ़ी लोग कच्चा खा जाते हैं, तो उसका भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उसको वॉश करके खाएं, ताकि जो भी बैक्टीरियाज या केमिकल हमारी बॉडी में जा सकते हैं वो ना जाएं। हाँ जी, एक हेल्दी डाइट के लिए सबसे बड़ा सजेशन ये है कि डेफिनेटली आप ये कहते हैं कि हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आप लीजिए, बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ अगर आप लेते हैं तो जिस तरीके से आपको बताया गया कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें या उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा मिलते हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कुछ हद तक तो स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस्ड डाइट के अंदर आप ग्रेन्स भी लें, फ्रूट्स भी अलग अलग वेराइटी के लें और वेजिटेबल्स भी अलग अलग वेराइटी के लें, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें, एक संतुलित भोजन खाएं जिसमें ये सब चीज़ों की मात्रा पूरी हो, और साथ ही साथ अपने आप बड़े मील्स ना खा के 3, जैसे आजकल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का सिस्टम बना हुआ है इंडिया के अंदर, आप उस तरीके को ना कर फॉलो करके आप 6 से 7 मील्स रेगुलर इंटरवल्स में खाएं और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पानी को बॉयल करके भी पी सकते हैं या पानी डिस्टिल वाटर भी पी सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आपकी सेहत बरकरार रहेगी। फिट दिल्ली में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। इस एपिसोड के बारे में आपकी राय हम जानना चाहेंगे, हम SMS आप कर सकते हैं, SMS नंबर है 5-2-4-2-4। ये हमें आप मेल कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है fitdilli@aajtak.com।
और इस एपिसोड को आप वेब पर देख सकते हैं। हमारा लॉगिन आईडी नोट कीजिए, हमारा लॉगिन आईडी है www.dilliaajtak.in। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते और फिर करेंगे बात आपकी सेहत के बारे में ही, बताएंगे तरीके आपको अपने आप को फिट और हेल्दी बना के रखने के बारे में। तब तक आप देखिए तमाम बड़ी खबरों के लिए दिल्ली आज तक, मुझसे मिलिएगा इसी वक्त अगले हफ्ते, और तब तक रखिएगा अपना पूरा ख्याल।